लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव 7 चरणों में होंगे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इसे जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यूपी को लेकर बीजेपी 51 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है और दूसरी सूची भी जल्द ही जारी होने वाली है। उम्मीदवारों के चयन में पार्टी बेहद सतर्कता से काम कर रही है। ऐसे में टिकट चाहने वाले नेताओं का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का सिलसिला भी जारी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव भी इसी क्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। 17 मार्च को अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि अपर्णा यादव ने इस भेंट को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी यह मुलाकात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थी। इससे पहले बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने दिल्ली में बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी। अपर्णा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संसद में पहुंचना चाहती हैं। ऐसे में वो अपने लिए बीजेपी से एक अदद सीट भी चाहती हैं। लेकिन यह सीट कौन सी होगी फिलहाल यह तय नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी मैनपुरी से अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुओं के बीच मुकाबला हो जाएगा। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सांसद पत्नी और दिवंगत मुलायम सिंह की बहू डिंपल भी मैनपुरी से ही चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि अपर्णा यादव के बारे में पहले ये बात कही जा रही थी कि उन्होंने पहले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह बात बता दी थी कि वे यादव परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। यहां तक कि बड़े नेताओं खासकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार से भी परहेज करेंगी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अपर्णा अब मैनपुरी से अपनी जेठानी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत के बाद बीजेपी में शामिल हुई थी। कयास लग रहे थे कि बीजेपी अपर्णा यादव को विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन न तो पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा, न ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। 2 साल हो गए हैं, लेकिन अपर्णा यादव पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी लिए बिना ही एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं। देखना होगा कि पार्टी उन्हें मैनपुरी सीट से चुनाव मैदान में उतारती है या नहीं। यदि उन्हें मैनपुरी से टिकट मिलता है तो इस लोकसभा सीट पर देवरानी जेठानी का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।